नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं लेह में स्पितुक गोम्पा देखने के लिए। इसे स्पितुक मठ, स्पितुक गोम्पा या पेथुप गोम्पा भी कहते हैं। यह लेह सिटी से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गोम्पा की स्थापना ओड्डे द्वारा की गई थी, जो लाहलामा चांगचुप ओड के बड़े भाई थे, जो तकरीबन 11वीं शताब्दी में मारियो लाए थे। इस मठ में 100 भिक्षुओं और काली की एक मिसाल प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा गोम्पा है, और ये जो सामने जो आपको दिख रहा है ये अभी बंद है, लेकिन यहाँ हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमसे बोला है कि अभी कुछ देर में ये खुलेगा, तब हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत हैं, मैंने देखी थी, ये नीचे भी, ये बाकी पालतू हैं, जो ये लामा लोग यहाँ रहते हैं उनकी पालतू बिल्लियाँ हैं। अभी थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं, ये छत का ऊपर का हिस्सा है। ये सामने जो आपको दिखा तिरंगा, ये देखिए ये वाला, मैंने तिरंगा जो है ले में इसी मॉनेस्ट्री में देखा है, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लेह का सिटी व्यू है। आइए अभी हम नीचे का जो हिस्सा है वो देखते हैं। देखिए अभी ये खुल गया है, तो हम सामने थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। अभी अंदर थोड़ा मंत्र उच्चारण और उसकी आवाज़ आ रही है, तो पूजा का भी समय है, तो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा जूम करके हम आपको यहीं से दिखा देंगे। ये देखिए ये जो बिल्लियाँ हैं बड़ी शांति से बैठी हुई हैं, बड़ा शांत भाव है इनका। ऐसा लगता है कि जो लामा लोग ध्यान करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनका असर इन पे भी होता है। और मैंने देखा है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो निडरता होती है, जो शांतिपन होता है, देखिए कितना शांति से बैठे हैं, बिल्कुल फियरलेस। एक तरीके से अपनी आदमी मस्ती में हो जाता है। ये काफ़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है और समय लगेगा इसको देखने में। अभी ये सामने जो है अभी खुल गया है, जो ये मॉनेस्ट्री का मुख्य जो कक्ष है, और थोड़ा जूम करके अभी देखते हैं। ये देखिए ये सामने का हिस्सा है। ये दोस्तों अभी हम नीचे आ गए हैं, मॉनेस्ट्री के सीढ़ियों से उतर के नीचे आए हैं। ये देखिए एक व्यू आप देखिए, कितनी बड़ी मॉनेस्ट्री है। और अभी चलते हैं इसको देखते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो प्रांगण अभी दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ गुस्टर फेस्टिवल होता है, वार्षिक एक फेस्टिवल होता है हर मॉनेस्ट्री में, यहाँ भी होता है वो, तो ये उसके लिए एक गलियारा है, और तब यहाँ बड़ी भीड़ होती है। मोस्टली जो टूरिस्ट है उस वक्त काफ़ी दौरान यहाँ मिलते हैं, लेकिन इस बार मेरा आना ऐसे समय में हुआ है जब फेस्टिवल नहीं है, लेकिन फिर भी एक शांति है। फेस्टिवल जब होता है तो हम इतना शांति से कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं। आइए चलते हैं दूसरे हिस्से में। ये देखिए ये सीढ़ियों का काम जो है, जब मैं पहले यहाँ आया था तब नहीं हुआ था, अभी कुछ रिनोवेशन हुआ है इस मॉनेस्ट्री में। ये देखिए ये दूसरे हिस्से में एक कक्ष है, जो सबसे पुराना भाग माना जाता है, और ये आप सामने पेंटिंग देखिए। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ये सब हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स हैं, और बहुत समय लगता है इनको बनाने में। एक बार फिर से ये पेंटिंग देखिए आप, कितनी शानदार पेंटिंग है। हालांकि इनका रंग फीका पड़ गया है, या जो आपको ये धुंधलाहट इसके अंदर दिखाई दे रही है,
इसका कारण कुछ और है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्या कारण है। वार्षिक उत्सव दौरान जब ये जो हिस्सा है जहाँ अभी हम देख रहे हैं, यहाँ जो मुख्य लामा लोग होते हैं वो सब बैठते हैं, और ये जो अभी सामने जो कक्ष दिख रहा है इसके अंदर वो प्राचीन प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे मेरा ध्यान एक चीज़ ने खींचा है, वो ये है कि जो सामने आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इन पे कुछ पर्यटक जो आते हैं वो अपना नाम लिख देते हैं, या अनाप शनाप कोई वर्ड लिख दिया, खरोंच लगा दिया, मोस्टली तो वो नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ नाम अभी देखे दिख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, कुछ कुछ अपना, अपने गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, ये सब नाम लिख देते हैं। बहुत गलत बात है। ये देखिए, आपको अगर दिख रहा है तो मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, इसमें तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पेंटिंग जो है वो ख़राब हो जाती हैं, इसका जो मूल स्वरूप होता है वो नष्ट हो जाता है। हर जगह आपको ये मिल जाएगा। न जाने ये युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये पेंटिंग तो देखिए जिनकी है, जिसने बनाई है, उन्हीं की रहती है, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है। ये लामा लोगों की बड़ी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन नाम लिख देने से कोई पेंटिंग उसकी थोड़ी हो जाती है, उल्टा वो ख़राब और हो जाते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले जो है भूटान में एक वाक्य हुआ था इसी तरीके का, और काफ़ी फजीहत भी हुई थी कि इंडियन टूरिस्ट है वो वहाँ जाके, एक जो टूरिस्ट था वो एक मठ के ऊपर चढ़ गया था जहाँ पे वो चढ़ना अलाउड नहीं था। तो ऐसी ये छोटी मोटी हरकतें जो है वो सबके लिए नुकसानदायक होती हैं, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि भूटान ने जो है इंडियन टूरिस्ट पे पर डे का चार्ज लगा दिया है, यानी कि अगर कोई भूटान घूमने जाना चाहता है तो उसे बाकी विदेशी पर्यटकों की तरह चार्ज देना होगा। पहले ये नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गलती होती है टूरिस्ट की, जो थोड़ा फॉलो नहीं करते हैं गाइडलाइन, या जो जैसे वहाँ का माहौल हो तो उसमें नहीं सामंजस्य बैठाते हैं। एनीवे, आप ये देखिए कितनी खूबसूरत वादी है, ये ले के जो खेत हैं, हरियाली, जो इंडस नदी है उसके साथ का जो इलाका है, ये सब खेत हैं। इसमें मोस्टली जो है जौ की फसल होती है, सब्जियां बोई जाती हैं, क्योंकि ले की मार्केट में जो हमने देखी थी काफ़ी फ्रेश सब्जियां थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सब ये इंडस के जो किनारे पर जो खेत हैं उन्हीं में सब वो खेती होती है, और बड़ी फ्रेश सब्जियां थी। ये देखिए सूरज कितना तेज़ी से चमक रहा है, लेकिन फिर भी मौसम में ठंड है, काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है, हवा चल रही है, तीखी सी धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, उसकी वजह से ठंडक है। सामने जो है ये सिंधु नदी है, और वो दूर जो पहाड़ों में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ एक वो छोटा सा गांव है। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, और ये सब जितने भी आप नीचे देख रहे हैं ये सब इसी मोनेस्ट्री का हिस्सा है, इसी मोनेस्ट्री के जो है भाग हैं ये, इसमें लामा लोग रहते हैं अपने। Thank you.
ये फिर से वही एक ताला, लेकिन ये ताला जो है बड़े साइज का है, काफ़ी आकर्षक ताला है ये एक तरीके से। अन्य टूरिस्ट आए हुए हैं फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, या शानदार फ़ोटो आते हैं। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप लेह में आइए, देखिए, काफ़ी एक मन को सुकून मिलता है। और काफ़ी आकर्षक होती हैं ये मोनेस्ट्री का जो वातावरण होता है, वो काफ़ी एक तरीके से आकर्षित करने वाला और एक तरीके से पुरातन संस्कृति को जानने वाला होता है। बरबस ही ये हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये अभी जो है इस मोनेस्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम अभी और चल रहा है, देखिए अभी इसकी तो रेलिंग भी नहीं लगी इस साइड में, थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर हम हैं। और ये वो हिस्सा है, देखिए कितना शानदार दृश्य, यहाँ से भी इंडस रिवर का दिख रहा है। ये जो भाग है इंडस रिवर का, वो काफ़ी चौड़ाई वाला भाग है यहाँ जो अभी सामने दिख रहा है आपको। ये देखिए कितना शानदार दृश्य है, बरबस ही ये हवा में लहराते हुए फ्लैग हमें आकर्षित करते हैं, और नीचे से जब हम देखते हैं तो बहुत आकर्षक लगते हैं। रंग बिरंगे फ्लैग जीवन में सतरंगियां वाली हुई, ये हमें संदेश देते हैं कि जीवन में हर चीज़ का समायोजन होना चाहिए। एक तरीके से हमें संदेश देते हैं ये, और ये हर मोनेस्ट्री में आपको मिलेंगे, काफ़ी रंग बिरंगे आकर्षक फ्लैग, काफ़ी सुंदर दृश्य है मोनेस्ट्री के यहाँ से भी। और ये देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रेयर व्हील है, अभी नीचे चलते हैं। ये सामने भी कुछ छोटे प्रेयर व्हील लगे हुए हैं, थोड़ा हम भी इनको एक राउंड कर लेते हैं। अभी मोनेस्ट्री हमने देख लिया दोस्तों, अभी हम चलते हैं वापस लेह की तरफ।